अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और एज़ यूजुअल मैं और मेरे लेट व्लॉग्स, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर डे, अनदर व्लॉग। और जी, सन फरमीन तो निकल गया, सन फरमीन के फेस्टिवल्स को गुजरे हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं और ये मेरी वीडियोस आपको अब देखने को मिलेंगी। ये लमोरिया के अंदर इस तरह का ये इन्होंने बनाया हुआ था, जिससे रिलेटेड इन लोगों का ये फेस्टिवल होता है। बुल्स होते हैं, लोग होते हैं जिसके आगे ये लोग भागते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ऐसे ही हम लोग गए थे कुछ घर का सामान लेने के लिए, कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें। तो वो चीज़ें ली हैं, कुछ मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी तो मैंने वो लगवाई हैं। जिस दिन इनकी छुट्टी थी ये घर पर थे, कर्टन्स लेकर आई थी, कुछ सीनरीज लेकर आई थी, क्योंकि हमारे घर में एक भी अल्लाह के नाम वाली कोई सीनरी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये मैंने लगवाई हैं, जो दो मैंने कैनवास पे बनाए थे, या अल्लाह और या मोहम्मद, वो मैंने बनाई है, सॉरी लगाई है। और अब इसके बाद मैंने बनाया है एक खाने काबा की पेंटिंग बनाई है कैनवास के ऊपर, वो भी बहुत प्यारी है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी से शेयर करूँगी आप सबके साथ, और जब उसे मैं वॉल पर पेस्ट कर दूँगी तब भी दिखाऊँगी। तो ये जी, फेस्टिवल में जाने की ही तैयारी हो रही थी, अपना ड्रेस निकाला, जल्दी से शूज़ निकाले। अब ये शूज़ जब तक पुराने नहीं ना हो जाएंगे, काले नहीं हो जाएंगे, इनको मैंने छोड़ना नहीं है। और भाई, बाहर जाते ही हमें तो लग जाती है भूख, इसलिए हम घर से कोई ना कोई बंदोबस्त करके निकलते हैं। मैंने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी लेकर हम लोग बाहर गए थे, क्योंकि हमने फेस्टिवल इन्जॉय करना था और रात को आकर फायरवर्क्स देखने थे, इसलिए हमने बिरयानी ली है, वहाँ बैठकर खाई है, फिर वापस बर्तन घर छोड़ कर आए हैं। और हमने जल्दी से प्लान बनाया कि नहीं, चलो हम मॉल चलते हैं, क्योंकि सेंटर में सारी शॉप्स वगैरह बंद थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम कुछ शॉपिंग कर सकें, बस वही स्टॉल्स थे जो वहाँ पर लोगों ने लगाए थे। तो एक वीडियो मैं उसकी भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, और दिखाऊँगी कि स्टॉल्स क्या क्या लगाए हुए थे और उसमें किस किस तरह की चीज़ें थी और उनकी प्राइसिस क्या थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।